9 साल से करीब हाइटस हर्निया का प्रॉब्लम था। लेप्टोस्कोपी मेरा सर्जरी हुई है वो दूरबीन द्वारा। एसिड भी अब नहीं आ रहा है ऊपर, खाना जो आता था ऊपर वो भी नहीं आ रहा है। हेलो सर, मेरा नाम फिरोज है, हम बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरा 8-9 साल से करीब हाइटस हर्निया का प्रॉब्लम था। एसिड बार बार मुंह में आना, खाना मुंह में आ जाना, बहुत कष्ट में थे हम। इसके बाद हम कलकत्ता गए, कोलकाता में भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुआ। कोई मैंने डॉक्टर से कितने दिखाए, वो बोला कि ठीक है ऑपरेशन होगी लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। फिर हमने यूट्यूब पर सर्च मारी, वहाँ से डॉक्टर जसमीत सिंह अहलुवालिया का नंबर पाया, सर से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद सर ने बोले कि अपना एंड्रोस्कोपी हमको भेजो। हमने भेजा उनको, सर देखे तो बोले कि हाँ ठीक है, ऐसा है कि तुम आ जाओ मेरे पास। तो सर ने मुझसे बोला कि कहाँ से बोल रहे हो, तो हमने बोला सर हम तो काफी दूर हैं, कोलकाता हैं, कम से कम 1900 किलोमीटर है। तो बोले कोई बात नहीं, कितने दिन का सफर। हम बोले कि सर कि 37 घंटे 38 घंटे बता रहे हैं लोकेशन। तो कहे सर बोले कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ आया, आने के बाद मेरी एंडोस्कोपी जांच की सर ने, उसके बाद से बोले सर कि ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हें सर्जरी करवानी होगी। तो उसके एक दिन बोले सर कि आराम करो, उसको कल होकर ऑपरेशन मेरी हुई है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो है कि मैं 5-6 घंटे के बाद चलने फिरने लगा, और 2-3 घंटे के बाद हमको कुछ जूस वूस मिला हमको खाने पीने के लिए। आराम से मैं जूस लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड भी अब नहीं आ रहा है ऊपर, खाना जो आता था ऊपर वो भी नहीं आ रहा है। अच्छी से ऑपरेशन किया है सर ने, लेप्टोस्कोपी मेरा सर्जरी हुई है वो दूरबीन द्वारा, अब बहुत मैंने आसान मन। और ये जो है ऑपरेशन जो है दूरबीन के द्वारा, ये टाँके लगाते हैं जो, वो टाँके का कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक टाँका रहता है, अपने आप वो घुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। और जिन भाइयों को हाइटस हर्निया का प्रॉब्लम है वो सर से कॉन्टेक्ट करें और आकर उनसे मिले, और घबराने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ऑपरेशन आपको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और जो है कि हमारा हुआ है बहुत बढ़िया, महसूस कर रहे हैं पहले से। मैं खा भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सर से कॉन्टेक्ट कीजिए। और हमें भी डर लग रहा था क्योंकि पंजाब तो हम जलंधर कभी आए नहीं थे, पता नहीं कैसे लोग होंगे वहाँ के, कैसे फील करेंगे हम। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको बहुत इज्जत मिली है, हर तरह की सुविधा मिली है, हर तरह के देखभाल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे हैं यहाँ के आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का सुविधा है यहाँ। और मेरा कहना है कि जो भाई को अगर डर लगता है कि पंजाब के लोग सही नहीं रहते हैं, ये ऐसा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे तरह से देखभाल करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, हंसते हैं बोलते हैं। आप आओगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी यहाँ, कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।